समिति के सभी सदस्य, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुखराज राठौर जी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्री चित्रा पवार जी एवं अशोक पवार साहब हमारे बीच उपस्थित है महाराष्ट्र से, आपको लेकर मंच पर पधारे। और हम इतनी देर से जिन क्षणों का, जिन शब्दों का, जिस वाणी का इंतजार कर रहे थे, लीजिए आ गए हमारे बीच हमारे पितृ पुरुष श्री पुखराज राठौर जी। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मंच पे आने के पूर्व हमारे समाज के भावासा का स्वागत वंदन अभिनंदन। बोलो सेठ जी महाराज की, नारायणी माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी से निवेदन है, आपकी वाणी सुनने के लिए, आपका प्रेम सुनने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय पुखराज राठौर साहब, आइए। बोले संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की, एक बार और बोले, बोले संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की। सर्वप्रथम मराठी बांधव के लिए हिंदी भाषा करने से इसलिए हिंदी में बोलता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपसे हाथ जोड़ के तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, कारण मेरे लखन इसके बाहर था, मेरी ट्रेन 14 घंटे लेट आई और आपके पास जल्दी पहुंचना, इसलिए मैं जबलपुर से टैक्सी लेके, मेरा आपके दर्शन होना चाहिए, मुझे माँ बहनों के भाइयों के इस रैली के दर्शन होना चाहिए, ये मेरी अभिलाषा थी। कुछ मात्रा में परमेश्वर ने, सेन जी महाराज ने वो मेरी इच्छा पूरी करी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ। मुझे युवा टीम ने काफ़ी कुछ प्रोत्साहित किया, दीपक जी सेन है प्रदेश अध्यक्ष, शिवरतन जी कहाँ है, लखन जी कहाँ है, अरे ओम जी भी तो नहीं है, आ जाओ आप, आ जाओ। ओम जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती चित्रा जी पवार, माधव जी भाले नाभिक महामंडल के सर्व सर्व, अशोक जी पवार नारायणी सेना के, साधना जी, चित्रा जी उपस्थित, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, युवा साथियों, ये आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम कल संत शिरोमणि सेन जी महाराज का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार मैं आपको मालूम कर दूं कि इस जन्मभूमि को ढूंढने के लिए हमें काफी पापड़ बेलने पड़े, सरकार के विरोध में, सरकार के तरफ से जाके हमने क्या नहीं किया, ये शिवरतन जी को, लखन जी को, दीपक जी को, ओम जी को, चित्रा जी को, इन सब जो मेरे पुराने जो सोना है, जूना सोना हम कहते हैं, इन सबको मालूम है। और भगवान ने, सेन जी महाराज ने उसमें कुछ मात्रा में यश दिया और आगे भी यश मिलेगा, ऐसा युवा टीम ने मुझे प्रोत्साहित किया। हम पूरे भारत में सेन जयंती मनाने का श्रेय भारतीय सेन समाज को ही जाता है और उसके बाद में संपूर्ण भारत में जागृति पैदा हुई, और संपूर्ण भारत में सेन जी महाराज की आज जयंती हर्षोल्लास के साथ कल मनाया जा रहा है, पूरे देश में सेन जी महाराज का। मुझे थोड़ा सा कहने में थोड़ा दुख भी होता है कि कुछ लोग इसमें अपने आप को सेन जयंती के जन्मोत्सव के लिए भी कुछ अपने आप को कहते, नहीं जन्म की तारीख ये है, जन्म की वो है, जन्म की वो है, नहीं, सेन जी महाराज का जन्म बांधवगढ़ में ही हुआ था, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पुरावे हैं, धर्म ग्रंथों का पर्याप्त पुरावे, संतों की अभिलाषा है। तो ये जो लोग कह रहे हैं गुमराह मत करो समाज को, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके हिसाब से, उनके बुद्धि के हिसाब से वो चलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि समाज को एक रखने का
विचार करो, संगठित करने का विचार करो। समाज का विघटन में किसी का भला नहीं होगा, समाज को तो नहीं होगा। मुझे किसी ने कहा, अभी एक वक्ता ने शायद हर्ष ने कहा कि हमें इस समाज की अगर सचमुच में उन्नति चाहिए तो हमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति, ये तीनों प्रांतों में हमें उन्नति चाहिए और उसके लिए हमें कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप एक नहीं होंगे, कोई भी राज्यकर्ता आपके पास तवज्जो नहीं देगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जिस दिन आप संगठित हो, जिस दिन इनको मालूम है कि 6.5 करोड़ हिंदुस्तान का नहीं इकट्ठा है, वो दीपक सेन का कहना मानता है, शिवरतन का सेना मानता है, लखन का कहना मानता है, उस दिन ये राज्यकर्ता आपके पास आएंगे, कहेंगे दीपक जी, शिवरतन जी, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। और तब ये मेरे बच्चे, मेरे भाई लोग कहेंगे हर प्रांत में एक आमदार चाहिए, हर प्रांत में एक विधायक चाहिए, हर प्रांत में खाता चाहिए। हमारे समाज को पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट दो, बड़े बड़े मंडलों के हमको अध्यक्ष दो, हमारे को शैक्षणिक पारित दो, और हर जिले में छात्रावास चाहिए, शिक्षण की संस्था चाहिए। ये सब होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होगा कुछ। आपको हमको इकट्ठा रहना है, आपको हमारी शक्ति बताना है कि हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं इस विषय को यहीं, कभी अगले साल अगर हो सका, आपके आशीर्वाद रहे, मैं आ गया तो अगले साल डिटेल में इस विषय में बात करेंगे। लेकिन आज अपने आगे सब में बड़ा महत्व का काम है जो सेन जी महाराज की जन्मस्थली का है। आज सेन जी महाराज की जन्मस्थली, जैसा मैंने आपको कहा, हमने काफी पापड़ बेले और ये पुरावा दिया है कि 300-400 साल से सेन जी महाराज वहीं उसी चबूतरे पे बैठ के उपदेश दिया करते थे, संतों को उपदेश दिया करते और वहीं प्रवचन दिया करते। तब कहीं जाके हमको लीगल परमिशन मिलती रही। कल सेन जी महाराज के जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि बड़े शांति से आप जन्मोत्सव मनाएंगे, और जैसे ही आपकी पूजा अर्चा करो, आप आराम से करो, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी पूजा अर्चा जाए, आप दूसरों के लिए जगह दो, क्योंकि पिछले साल कुछ शिकायत ऐसी आई कि हमको तो पूजा करने को समय नहीं मिला। उसका एक कारण था कि वहाँ पे लोग पूजा करते के वही रुक गए, फोटो निकालने लगे, फ्लैग ये करने लगे, ये सब बातों से पिछले लोगों को दर्शन नहीं हो गए, इसलिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अब मैं खास विषय में आता हूँ जो बांधवगढ़ के लोगों को समर्पित है। पत्रकार बंधु भी यहाँ पे, शायद पत्रकार बंधु है, प्रणाम करता हूँ और आपको उद्बोधन के लिए क्षमा चाहूंगा। मित्रों, मैं मध्य प्रदेश सरकार का आभार मानूंगा कि उन्होंने हमको ये करीब 2.5 एकड़ की जमीन हमको संत स्वामी सेन जी महाराज के मंदिर स्मारक के लिए दी है। इसके पहले टाइगर कबीर आश्रम के सामने हमको जमीन दी गई थी, और वो जमीन में प्लिंथ तक का काम भी आ चुका था, लेकिन कुछ नतदृष्ट लोगों ने उसमें कुछ काढ़िया करी, कुछ होटल वालों ने काढ़िया करी, और वो काम रुकना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का वैसा आदेश है। जबकि मैं आप पत्रकार बंधुओं को कहता हूँ, हमको NOC थी वन विभाग की, हमको NOC थी जिला परिषद की, हमको NOC थी पंचायत समिति, हमको NOC थी शासन की, सबकी NOC होने के बाद में वहां पे काम शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ मालूम है, हमारे कुछ लोग ऐसे हुए कि ये शेन मेरी उमरिया के टीम को कैसा जाना चाहिए, ये शेन हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए, पुखराज जी करे, राठौड़ जी करे, मेरे भाई बच्चे ये सब करे, ये सब गलत करे, हम कर रहे वो सही करे। और बांधवगढ़ में सेन जी महाराज की जन्मस्थली किसी जंगल में 50 किलोमीटर दूर कह के बताते थे, और ये 50 किलोमीटर दूर सेन जी महाराज का जन्म हुआ था, ऐसा गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन मेरा सर्वज गुमराह नहीं हुआ। लोगों की संख्या कम हो रही, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं मेरे दोस्तों को, मित्रों को ये कहता हूँ कि आप मुझे इस जन्मस्थली के ऊपर जो आज से जगह दिए, वो जगह पे पट्टा कलेक्टर महोदय को आज ये शिष्टमंडल गया था, उन्होंने कहा कि ये जगह हमको भारतीय सेन समाज के नाम पे कर दो, भारतीय सेन या तो फिर सांस्कृतिक वहां पे निर्माण, मंदिर का निर्माण करके भारतीय सेन समाज को देना।
ये दोनों बातों में से अगर ये जगह आप हमको देंगे और इस जगह को आप कंपाउंड निकाल के गेट लगा के लॉक करके अगर समिति को मुझे आप दोगे तो अगला काम मैं करूंगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। और इसीलिए मैं आपके बीच होकर में मेरे इन पदाधिकारियों के जो बड़े बड़े मेरे जो साथी है दोस्त है, मेरा बल यही है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं हरदम कहता हूं मेरे जीवन में से माइनस ब्लेसिंग राठौड़ इज नीड, आशीर्वाद अगर कम कर दो मेरे जीवन में से तो मैं कुछ नहीं। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोग से प्रेरणा, यही मेरा सब कुछ है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि सेन जन्मस्थली के ये अगले साल तक कुछ मटेरियलाइज होना चाहिए और जब आज की ये जब सभा कल का पूजन हो जाए तो मैं अनुरोध करूंगा मेरे टीम से कि उन्होंने एक कलेक्टर साहब को एक अर्जी पेश किया जाए और अर्जी पेश करने के बाद ये जन ये जगह है सांस्कृतिक मंडल करें या तो फिर निर्माण करके हमारे को ताबे में दे, क्यों खाली जमीन थोड़ी स्मारक हो सकता। और मैंने पदाधिकारी प्रदेश के उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जरूर करेंगे, मैं इसलिए उनका बहुत बहुत दिल से आभार हूँ। भारतीय संघ समाज पूरे देश का भारतीय संघ समाज उनका आभारी है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा, एक छोटा सा प्रस्ताव मेरे हाथों में है, सही भी है गलत निश्चित नहीं है, अगर वो हो जाए तो इस सेन समाज का कायाकल्प निश्चित रूप से हो जाए। किसी भी टीम का एक लिखा पढ़ा अगर बच्चा होगा तो उसका एक विजन, उसके एक दृष्टि अलग रहती है, उसकी एक दृष्टि रहती है कि मैं समाज को कैसे ऊंचा उठाऊं, समाज को कहां ले जाऊं, किस प्रकार समाज को उन्नति करूं, आर्थिक सामाजिक प्रगति करूं। इसलिए केश शिल्पी मंडल का हमको शिवराज सिंह जी ने कहा था कि केश शिल्पी मंडल के अध्यक्ष देंगे देंगे देंगे, लेकिन केवल नाम मात्र घोषणा से नहीं होता, हमें केश शिल्पी मंडल का अध्यक्ष होना चाहिए, वहाँ ऑफिस होना चाहिए, उनको एक फंड अलॉट होना चाहिए, 50-25 करोड़ का फंड अलॉट होना चाहिए। वो फंड केवल सेन समाज के नाई समाज के उत्थान के लिए ही वापरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अभी जो कोई भी अध्यक्ष है मुझे बोलना नहीं है, आप समझते हो उनका कार्यकलाप वगैरह सबको समझते हो, इसलिए हमने एक ठहराव पारित किया है भाई श्री रतन वगैरह सर ने मिलकर भारतीय समाज के मध्य प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक सेन जो लिखा पढ़ा इंजीनियर बच्चा है, इनको मध्य प्रदेश शासन के कई शिविर बोर्ड का अध्यक्ष है, हेतु नाम बढ़ा जाए, इसमें आप सबका सहयोग है। सहयोग कैसा होगा, आपने हर एक में चीफ मिनिस्टर को एक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड भेजेंगे कि भाई दीपक सेन को के शिल्पी बोर्ड का अध्यक्ष, भाई दीपक सेन को के शिल्पी बोर्ड का अध्यक्ष, भाई दीपक सेन को के शिल्पी बोर्ड का अध्यक्ष। प्रकाश जी आप लंबे खड़े हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सॉरी मेरी गलती हो गई। प्रकाश जी ये संभागीय अध्यक्ष है, मेरी गलती हो गई, मैं उनको उद्घोषण में थोड़ा तो मैं आपके बीच ज्यादा नहीं लूंगा। आपने मेरा जो हर्ष भाई ने और भी टीम ने जो मेरा बिना स्वागत किया उसके मैं बहुत बहुत उपकृत हूँ। महाराष्ट्र से मेरे माधव जी उनके नेतृत्व में काफ़ी बड़ी टीम आई, मेरी बहन भी आई है, बेटी भी आई है वहाँ से, है ना बेटा, वो भी आई है, उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सबका माँ बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और नारी शक्ति आप में बहुत बड़ी शक्ति है, आप अपने आप को थोड़ा सा अलग करके अपने कुटुंब के मैं समाज देश ये बड़ी बड़ी बातें केवल अपने कुटुंब के उत्थान के लिए आपने कुछ करना चाहिए, ऐसा बीड़ा आपने उठाना। इतना ही कहूँगा, मेरे दो शब्द को विराम देता हूँ क्योंकि वो ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के बाद ये भी खुर्चा उठा जाए राठौड़ साहब, मैं तो ये खुर्चा उठाने के लिए रुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पत्रकार महोदय का, मेरी माँ बहनों का, समिति का, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद। जय संजीव महाराज की जय।